केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर पहुंचे, जहां केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने महाकाल मंदिर में गर्भगृह से बाबा महाकाल की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनके साथ मंत्री तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह भी मौजूद रहे। देखिए रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी माता के देहांत के बाद पहली बार धार्मिक यात्रा पर उज्जैन पहुंचे। वे यहां विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे और बाबा महाकाल के दर्शन किए। उन्होंने गर्भगृह में पहुंचकर बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की। यहां पुजारी संजय गुरु ने पूजन पाठ करवाया। सिंधिया के साथ प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत भी मौजूद रहे। गर्भगृह में पूजन अर्चन के बाद सिंधिया नंदी हॉल में बैठे, जहाँ उन्होंने शिव आराधना की और इस दौरान पंडित पुजारियों ने मंत्र उच्चारण किया। दर्शन करने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने महाकाल मंदिर परिसर का अवलोकन किया और निर्देश दिए कि मंदिर के पत्थरों को प्राकृतिक रखा जाए। वहीं मीडिया से चर्चा में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि बाबा महाकाल का आशीर्वाद मालवा प्रदेश व देश की जनता के साथ रहे, यही कामना की है। यहां आने से मुझे आत्मा में नई शांति और विश्वास में एक नई ऊर्जा की अनुभूति होती है। सिंधिया ने कहा कि उन्होंने विकास कार्यों का जायजा लिया व मंदिर के जीर्णोद्धार को देखा। बाबा महाकाल के चरण में तो सदैव सिंधिया परिवार रहा। इस मंदिर की स्थापना, इसकी जीर्णोद्धार सिंधिया परिवार के द्वारा रानूजी महाराज ने स्वयं स्थापित की थी। जब मुगलों ने इस मंदिर का पूर्ण तरीके से इस मंदिर को नष्ट कर दिया था, इल्तुतमिश ने 1125 में, रानूजी महाराज ने इस मंदिर की दोबारा स्थापना की थी। बाबा महाकाल का आशीर्वाद समस्त मालवा की जनता, प्रदेश की जनता और देश की जनता के साथ रहे, यही हमारी कामना है। हर बार मैं उज्जैन आता हूँ तो दर्शन के बिना कभी वापस नहीं जाता, और हर बार जब आता हूँ तो आत्मा में एक नई शांति और विश्वास में एक नई ऊर्जा के साथ यहाँ से मैं रवाना होता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मेरे पूर्वजों के द्वारा स्थापित इस उज्जैन की, ग्वालियर स्टेट की पूर्व की राजधानी, मैं महाकाल के मंदिर का दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मैंने जीर्णोद्धार का भी देखा है, विकास कार्यों का भी जायज़ा लिया है, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा और मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात करूँगा, सांसद जी से भी मैं बात करूँगा कि इसकी भव्य रूप जो प्राचीन ज़माने में होती थी, वही भव्य रूप ये संपूर्ण मंदिर प्रांगण
धारण करे। आधुनिकीकरण जरूरी है, पर आधुनिकीकरण विरासत के आधार पे ही होनी चाहिए। और बहुत महाकाल लोक इतना सुंदर भारतीय जनता पार्टी के सरकारों के द्वारा यहाँ स्थापित हुआ है। अगला चरण भी पूर्ण जोर से आगे चल रहा है और आने वाले दिनों में हमारा ये तो देश के ज्योतिर्लिंगों में से सबसे विख्यात ज्योतिर्लिंग है और आने वाले दिनों में पूरे विश्व की एक धार्मिक स्थल के रूप में हमारा महाकाल मंदिर स्थापित हो, यही हम सब की कामना है। सर, 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, मैं कभी राजनीति की बात मंदिर प्रांगण में नहीं करता। कुल मिलाकर देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी सादगी का परिचय देते हुए बाबा महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाई। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, उज्जैन।